आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को कैंट पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन स्थित सिंचाई विभाग के डाक बंगले में नजरबंद कर दिया गया है। जब वह सिपाही पंकज कुमार को न्याय दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर जाने वाले थे, सिपाही पंकज का मामला पुलिस द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि डॉक्टर अनुज सरकारी की तहरीर पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पंकज को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिससे अस्पताल स्टाफ द्वारा उन पर हमला किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मैं सिपाही पंकज का मुकदमा दर्ज कराने के लिए धरना देने जा रहा था, तभी पुलिस ने मुझे नजरबंद कर दिया है। मेरी मांग है कि सिपाही पंकज का मुकदमा तुरंत दर्ज किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आजाद अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा, गोरखपुर पुलिस ने सिंचाई डाक बंगला जहाँ इस समय मैं हूँ उसे छावनी में बदल के मुझे अंदर रखा हुआ है और मैं अगले निर्देशों की प्रतीक्षा में हूँ। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।